नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय सेना द्वारा चलाए गए म्यांमार में अभियान की। इस अभियान के बाद पाकिस्तान की ओर से भी उल जुलूल बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प मसला है कि कार्रवाई पूर्व में हुई है लेकिन पश्चिम में बैठे पाकिस्तान को इसकी बहुत चुभन महसूस हुई है और उसने कह दिया है कि हमें म्यांमार समझने की गलती न की जाए, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिक बौखलाहट का परिणाम है क्योंकि उनको ये पता है कि जिस तरह के आतंकवादी शिविर इस तरफ म्यांमार की धरती पर चल रहे हैं, जिससे भारत में आतंकवाद भेजा जा रहा है, उसी तरह के शिविर पाकिस्तान की सरजमी पर लंबे समय से चल रहे हैं। उसके पुख्ता प्रमाण तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और सेना ने लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उपलब्ध करवाए हैं। लगातार बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान में शिविर बनाकर और भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रची जा रही है। अभी हाल ही में जिस बड़ी घटना को लेकर हमने एक वेब वार्ता भी की थी, जो हमने बताया था कि किस तरह भिंडरावाले के पोस्टर को लेकर इतना बड़ा विवाद जम्मू में हुआ और उस वक्त हमने शंका जाहिर की थी कि निश्चित तौर पर यह कोई साजिश का हिस्सा है क्योंकि इस तरह अचानक सिख समुदाय भड़क उठे, इसका कोई कारण नजर नहीं आता। और हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश में लगा है और जो कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसे ही इस हमले से यदि उनके भीतर बौखलाहट को ने जन्म लिया है तो उसका बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की है लगातार भारत में। और जब उनको यह समझ में आया है कि भारत अब चुपचाप रहकर सहन नहीं करेगा तो उन्होंने उलझुल बयानबाजी अपनी तरफ से की है। पर मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान को सबक ले लेना चाहिए कि अब इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या भारत को POK में मौजूद आतंकवादी शिविरों पर भी हमला कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि केवल एक युद्धोन्माद के जरिए हमें नहीं चलना चाहिए। हमें निश्चित तौर पर आतंकवाद का सफाया करना है लेकिन इसको युद्ध में तब्दील नहीं करना है। ये केवल एक अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है, दो देशों के बीच का युद्ध ये नहीं है। देश इसलिए शामिल हो रहे हैं कि वो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। हमने एक जगह हमला किया, हम लगातार और जगहों पर भी हमले कर दें तो निश्चित तौर पर फिर हम शायद एक युद्ध की तरफ बढ़ चलेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस युद्ध की तरफ बढ़े बगैर कैसे हम कुछ प्रतीकात्मक हमलों के माध्यम से उन देशों में जहां पर ये शिविर चल रहे हैं उनको इस बात के लिए राजी कर लें कि आप अपने यहां पर इस आतंकवादी शिविरों के जो प्रश्रय देने की गतिविधियां हैं उनको बंद कर दें तो हमें हमले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आतंकवादियों को उस तरफ से भी भगाया जाएगा और यहां से भी हम दबाव बनाएंगे तो शायद आतंकवादी खुद ही कहीं और जाने के लिए या घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएं। ये एक दिवा स्वप्न है लेकिन अगर ये सच नहीं होता है तो हम बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। यदि एक चीज और कि हाफिज मोहम्मद सईद बार बार पाकिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो ये तो प्रमाणित तथ्य है, इसमें कोई शक शुभ है कि गुंजाइश नहीं है कि हाफिज सईद आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देने वाला एक सबसे बड़ा आतंकवादी है। उसको पाकिस्तान की धरती पर पनाह मिली हुई है और उसने पाकिस्तान की शह पर ही अब तक जितनी भी बातें और गतिविधियां की हैं उनको अंजाम दिया है। अब इसका तो एक इलाज ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि दुनिया के किसी भी देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को लेकर इतनी बड़ी आवाज उठाता है, आज ISIS को लेकर अमेरिका इतना परेशान है लेकिन पाकिस्तान से उठने वाली आतंकवादी आवाजों को लेकर वो कुछ क्यों नहीं बोलता। अमेरिका को अपना अब ये दोगलापन छोड़ना होगा। उसकी धरती पर होने वाला आतंकवाद आतंकवाद है और हिंदुस्तान की धरती पर होने वाला आतंकवाद आतंकवाद नहीं है। हम दो देशों का आपसी मसला है ये कहकर नहीं चल सकेगा। मुझे लगता है कि अब अमेरिका के साथ विश्व के समुदाय को भी इसमें देखना होगा कि किस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान से संचालित हो रही हैं और यदि वो नहीं देखेंगे तो भारत ने अपनी रणनीति और उसके प्रतीक को उजागर कर दिया है म्यांमार की घटना से। हमें भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। लगता है कि इस अभियान के बाद पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कम होगी या रुक जाएगी? पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि इसे एक घटना से सुधर जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए थोड़े और तगड़े प्रतीक गढ़ने होंगे। काश कि वो समझ जाता लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान सुधरे या समझेगा इस घटना के बाद। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ और नई तरीके की रणनीति हमें अपनानी होगी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय सेना के म्यांमार अभियान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।